डियर स्टूडेंट, आज हम इकोलॉजिकल अडेप्टेशन और रेस्पॉन्स इन ज़ीरोफाइट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम ये जान चुके हैं कि ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं। ज़ीरोफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं और इस ड्राइनेस को सहन करने के आधार पर, और ड्राइनेस कैसे सहन करते हैं और उसी साथ इस परिस्थिति में सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो जितने भी ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस उसमें पाई जाती हैं। और ये सभी अडेप्टेशन जो होती हैं दो मेन ऑब्जेक्ट की पूर्ति करती हैं, दो उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होगा इनमें, और साथ साथ में इनके जितने भी ऊतक होते हैं उसमें अधिकतम मात्रा में जल धारण करना या प्रिवेंशन ऑफ वाटर, मतलब या तो जितना, क्योंकि ये ड्राइनेस में ग्रो कर रहे हैं प्लांट तो वैसे भी पानी की स्कैसिटी होती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषण करें, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन हो, फर्स्ट पॉइंट होता है ये, तो फर्स्ट उसका उद्देश्य हो गया। और दूसरा उद्देश्य यह है कि जितने भी उसके जो टिश्यू हैं उसमें मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ वाटर हो, तो मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ वाटर विद इन द टिश्यू, और रिटेंशन हो उसके साथ प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस हो, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा तो वो अपने स्टोर करके रखें और कम से कम जो होता है पानी का लॉस हो। तो इस प्रकार से इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हम डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हम देखते हैं कि उसके जो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ में, वो किस तरीके से उनमें अडेप्टेशन आती है, ताकि जो हमारे जो ऊपर के दो उद्देश्य हैं जैसे मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ वाटर और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए फर्स्ट होता है कि रूट जो होती है, फर्स्ट है रूट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। कि मरुभूमि जितने भी ज़ीरोफाइटिक प्लांट हैं जल की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं, तो जल को कम मात्रा में मिल रहा है और उस प्लांट को, रूट को जो है बहुत गहराई तक नीचे जाना पड़ता है पानी को अब्सॉर्व करने के लिए। तो इसमें मूल तंत्र जो होता है, रूट सिस्टम जो होता है, सबसे मेन ऑर्गन होता है रूट सिस्टम जो होता है, वेल डेवलप्ड उसमें रूट सिस्टम होता है और गहरा होता है रूट सिस्टम, डीप भी है, ब्रांच्ड भी है और एक्सटेंसिव होता है। और सेकेंड है कि इनमें जो रूट सिस्टम, रूट और जो शूट का जो रेशियो है, रूट शूट की अपेक्षा कई गुना लंबी होती है, तो इनका रेशियो जो होता है रूट शूट रेशियो 1:4 होता है। इसी प्रकार से ये एग्जांपल है अकेंशिया और टैमेरिक्स में देखें तो उनकी जो रूट है वो 30 मीटर जमीन की और गहराई तक पहुँच जाती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट जो होती है वो सकुलेंट हो जाती है, तो जिससे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन उसमें होता है, और ये एग्जांपल है जैसे एस्पैरेगस में होता है। और इसी तरीके से जो रूट ग्रोथ जो होती है उनकी रेट ऑफ रूट ग्रोथ रेट भी जो होती है उनकी ज़्यादा होती है, और अधिक से अधिक जितने भी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन करे रूट, उसके लिए उसमें रूट हेयर्स एंड रूट कैप भी वेल डेवलप्ड होती है। और इसी साथ साथ मूलों की रूट्स की जो होती ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण रूट स्टेम रेशो जो होता है, इनका रेशो भी जो होता है 3:10 के बराबर पाया जाता है। और जितने भी जो सेमोफाइट्स हैं वो पौधों की जड़ें, उनकी जड़ें जो होते हैं वो चट्टानों के ऊपर फैलती हैं और उनकी दरारों को भेद कर वृद्धि करने में भी सक्षम होती है, मतलब इतने ज़्यादा उनमें ये सेमोफाइट्स के में ये रूट के अंदर ऐसा डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से जब हम स्टैम की बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में, तो स्टैम भी जो होता है वो सीधा उनके जितने ज़ीरोफाइटिक प्लांट हैं उनका स्टैम जो है वो वायुमंडल के संपर्क में रहता है और वायवीय वातावरण को, शुष्क परिस्थितियों को सहन करते हैं वो लोग। इस प्रकार से उनमें भी स्टैम के करेक्टर हैं, जैसे स्टैम जो होता है स्टंटेड है, वुडी होता है, हार्ड होता है और बार्क उसमें पाई जाती है, स्मॉल स्टैंटेड थिक एंड बार्क प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जैसे कि एलोए है, एलोवेरा है, अगेव है, सिकरम है, उनमें स्टेम कैसा होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है और कुछ उनमें शाखाएं जो होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं। इस प्रकार से सेकेंड है उनमें ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए
उनकी लीव जो होती है या तो बहुत ही कम होती है या छोटी हो जाती है, कॉडोकस होती है, इससे उनके प्रकाश संश्लेषण में भी कमी आ जाती है। कुछ के अंदर कुछ लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल जिनका स्टैम जो होता है वो चपटा हरा लीफ के जैसा हो जाता है, उसको हम फिलोगेट कहते हैं, एग्जांपल ओपेंशिया। इस प्रकार से फिलोगेट के अंदर स्टैम और लीफ दोनों, स्टैम फिलोगेट स्टैम का भी काम करेगा और लीफ का भी कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर हम एस्पैरेगस की बात करते हैं तो एस्पैरेगस में जो निडल लाइक जो होती है रचना बनती है उसमें केलॉइड कैलॉइड कहते हैं, जिसको प्रणाब पर्व जो होता है वो पर्व जो होता है वो प्रणाम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को काम करने के लिए स्टैम जो होता है वो बहुत स्टैम और लीफ वो दोनों ही जो बहुत अधिक उसमें मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, और इसी तरीके से उस पर वैक्सी कोटिंग भी पाई जाती है ताकि कम से कम जो है उसमें वाटर लॉस हो। इस प्रकार से कुछ पौधों कुछ जो स्टैम जो होते हैं उसमें स्टैम के अंदर स्टैम बर्ड्स और स्पाइंस में भी रूपांतरित हो जाता है, एग्जांपल यूफोर्बिया। इनकी लीफ कैसी होती हैं, लीफ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं, स्केल्स और स्पाइन में चल जाती हैं, सरफेस ऑफ लीफ जो होती है शाइनी होती है और मल्टी सेलुलर हो जाती है ताकि जितना भी ज़्यादा उससे जो होता है वो एपिडर्मिस की वो रक्षा कर पाए। इस प्रकार कुछ जो जेरोफिटिक प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में बहुत सारे हेयर्स भी पाए जाते हैं, हेयरी होती है, इनको हम ट्राइकोफिलस प्लांट्स भी कहते हैं, जैसे हेलियोट्रोपियम हो गया। ये प्लांट जो होते हैं तेज हवा वाले क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए अनुकूलन होते हैं, और इनकी चिकनी सतह जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट से, और इस प्रकार से उससे रिफ्लेक्ट होगी तो टेम्परेचर जो होता है इसका इफेक्ट जो होगा कम होगा, और उससे टेम्परेचर कम लीफ पे पड़ेगा और लीफ फिर कम प्रेप्ट होने से लॉस ऑफ वाटर या ट्रांसमिशन की रेट होगी वो कम होगी। इस प्रकार से ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो होती हैं ये लीफ में मिलती हैं। इसी प्रकार अगर हम जब जिजिपस की बात करें तो जिजिपस में स्टिपुलर स्पाइंस भी पाए जाते हैं उनमें, और इसी के साथ साथ उसमें अगर हम ऑस्ट्रेलियन मेलोजाइलॉन की बात करें, अकेशिया मेलोजाइलॉन जिसको ऑस्ट्रेलियन बबूल कहते हैं, उसके अंदर वाटर लॉस को रोकने के लिए इनकी जो बाइपेडेट कंपाउंड लीफ होती है वो सूख कर गिर गई, परंतु उसका पिट्योल जो होता है वो पत्ती के समान पर्ण के समान हो जाता है, तो इसलिए इसको हम परिणाम व्रत कहते हैं। तो ये जो है जल संग्रह का भी काम करता है और फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, इसके साथ ट्रांसपिरेशन रेट भी जो होती है वो कम हो जाती है। अगर हम जब हम उसकी पार्किंसोनिया के में देखते हैं तो पार्किंसोनिया में पर्णफलक की कम्प्लीटली अनुपस्थिति होती है और उसके अंदर पर्णक बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उनकी जो मध्य शिरा जो होती है वो चपटी होने के कारण पर्णकों को उच्च ताप को सहन करने में मदद करती है। इसी प्रकार से एग्रोपायरॉन जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि उनमें भी जलाभाव के समय पत्तियां मुड़कर नलिका, जब पानी की कमी हो रही है तो पत्तियां मुड़कर ट्यूबुलर फॉर्म में हो जाती हैं। इन प्लांट्स के अंदर पुष्प जो होता है वो केवल फेवरेबल कंडीशन में विकसित होता है और जो फ्रूट एंड जो जो सीड है वो भी कभी कभी अधिक बहुत यदि मोटे आवरणों से ढका रहता है ताकि पानी के प्रति, ये मतलब आवरण से ढक गया तो उससे क्या होगा, तापमान के प्रति उसमें सहनशीलता डेवलप हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो होते हैं वो जेरोफिटिक प्लांट्स में पड़ते हैं। इसी तरीके से एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस की बात करें तो ये भी जल के व्यय को कम करने के लिए उसमें कुछ प्लांट के अंदर एनाटॉमिकल कौन कौन से अडेप्टेशंस आते हैं। जैसे फर्स्ट है रूट का इलोंगेशन की दर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रूट जो होती है वो उसका वायव्य भाग जो होता है वो मिट्टी की गहराई वाले परतों में उपस्थित नमी के संपर्क में रहता है। इस प्रकार से उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल के व्यय को कम कर सकती हैं। इसी प्रकार से कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो वायव्य भाग जो होते हैं एरियल पार्ट जैसे स्टैम है या लीफ है उनके ऊपर अधिचर्म जो होती है स्केल्स लीफ जो होती है वो क्यूटिकल की थिक लेयर होती है, थिक लेयर होगी एपिडर्मिस के ऊपर भी थिक क्यूटिकल लेयर है, वो क्यूटिकल ट्रांसफर को लोअर कर ट्रांसमिशन की क्रिया जो है उसको कम करती है। क्यूटिकल भी जो है उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, वैक्सी कोटिंग के कारण क्या होगा, ट्रांसमिशन की रेट कम होगी। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कई बार पत्तियों जो लीफ की जो एपिडर्मिस की सेल्स जो होती हैं वो छोटी और सटी हो जाती हैं और क्यूटिनाइज्ड हो जाती हैं,
और मल्टी, कई बार हमने देखा जैसे हम उसकी मीडियम की बात करें तो उसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस और जो हाइपोडर्मिस है उनके ऊपर लिग्निन और क्यूटिन, क्यूटी सुबेरियन का क्यूटीन का डिपोजिशन हो जाता है ताकि कम से कम वाटर लॉस हो। इसी प्रकार से कॉर और बार्क के जो सेकेंडरी ग्रोथ के साइन बनते हैं उनको भी, वो भी एक प्रकार का उसके ऊपर भी कोटिंग होती है ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो रेट। और इसी प्रकार से जितने भी जो जेरोफिटिक प्लांट हैं उनमें स्ट्रोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन की क्रिया हो। तो और उस पर सीधा प्रकाश जो होता है लोअर सरफेस होने के कारण वहां पर लाइट जो होती है वो सीधी नहीं पहुंचेगी, सीधी नहीं होगी तो टेम्परेचर से लीफ जो होता है उसको नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो पाएगा और रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी कम होगी। इसी प्रकार से इनमें सनकन स्ट्रोमेटा भी मिलेंगे तो सनकन स्ट्रोमेटा होते हैं, और कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो सनकन स्ट्रोमेटा के साथ साथ जैसे पोहा है एमोफिला जो है उनके अंदर स्पेशल पत्ती के नीचे भी जो होती है एपिडर्मिस के नीचे जो होता है स्पेशल सेल्स मिलती है जिनको बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये जलाभाव के समय बुलिफॉर्म से क्या करती है पत्तियों को गोलाई में लपेटने में सहायता करेगी, तो पत्तियों का जितना भी एरिया जो सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कम होगा। इस प्रकार से ये रंध जो होते हैं, ये रंध भी जो होते हैं वो शुष्क वायु को के अभाव से बच जाते हैं। फर्न को नम अवस्था आने से सामान्य अवस्था में ये जब उसको नॉर्मल अवस्था आ जाएगी तो वो वापस पहले तो फैला मतलब उन्होंने सुकोड़ दिया और जब नॉर्मल अवस्था आ गई तो पत्तियों को वापस फैला दिया, तो इस क्रिया को हम इस गुण को हम हाइड्रोकेसी कहते हैं। और इसी प्रकार से कुछ जो पात जो होते हैं उनमें पैलेट हेयर्स पाए जाते हैं और ये पत्ती की सतह पर आवरण बना लेते हैं तो ये भी इससे भी वाटर लॉस कम होता है जैसे प्रेजेंस ऑफ पैलेट हेयर। इसी प्रकार से कुछ जो हाइपोडर्मिस की सेल्स जो हैं वो भी स्क्लेरोकाइमेटोस हो जाती हैं जैसे कैजोरहिना में, तो वो भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करती हैं। कुछ लीव्स जो होती हैं लीव्स के कारण ट्रांसपिरेशन होता है, लीव कॉडोकस होगी बहुत जल्दी आशु पाती हैं, बहुत जल्दी से गिर गई, गिरने के कारण क्या होगा ना लीव की अनुपस्थिति होगी तो लीव अनुपस्थिति होने से ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी। स्पंजीपैरेन्काइमा जो होता है इसमें कम डेवलप होता है और पैलेसिस टिश्यू जो होता है इनमें वेल डेवलप होता है। और इस प्रकार से इनमें जो जितने भी सकुलेंट प्लांट हैं उसमें स्पेशल टिश्यू भी पाया जाता है जिस जो जिन जो जिनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो म्यूसिलेजेनस होती हैं, तो जल की लंबी अवधि तक जल को बहुत लंबी समय तक म्यूसिलेजेनस सेल्स जो होती है स्टोर करने का काम करती है। और इस प्रकार के जल संचित करने वाले ऐसे मनुद्भिदों को हम मेलेकोफिलस प्लांट्स भी कहते हैं, मधुप्रणिपादक भी कहते हैं। तो ये हमारी होती है एनाटॉपिकल अडेप्टेशंस जो इसके अंदर पाई जाती हैं। कुछ मृतकों की कोशिकाएं अपेक्षा बहुत छोटी भी होती हैं, उनमें जो वैक्यूल्स पाई जाएगी वो भी कम होगी, इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होती हैं उनका भी आयतन बहुत ही कम होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हाई टेम्परेचर होने पर ये सब वाटर को मतलब जो उनका प्रोटोप्लाज्म है सेल का उसको डिहाइड्रेशन से रोकती है, निर्जलीकरण की क्रिया से रोकती है तथा जीद्रव्य की कोशिका को कोशिका भित्ति के संपर्क में आने नहीं देती है। इसके कारण उसके कारण जीव जो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं उनकी भी क्षति नहीं होती। इनमें मैकेनिकल टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है और स्क्लेरॉइड्स पाई जाती हैं, और इसी तरीके से इसमें वस्कुलर सिस्टम जो होता है वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, जाइलम की मात्रा फ्लोएम से अधिक होती है, जाइलम की सेल्स जो होती हैं वेसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं, और द्वितीय प्रति के कारण इनमें जो कॉर्क है या बार्क है या एनुअल रिंग्स बनती हैं। तो ये जो थे एनाटॉमिकल अडेप्टेशन से जिसके कारण कम से कम वाटर लॉस हो प्लांट के अंदर उसकी एनाटॉमी में ये चेंजेस आते हैं। इसी प्रकार से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करें तो इनमें जितने भी जो जेरोफिटिक हैबिटेट जो मतलब ड्राई हैबिट में प्लांट में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें सोलर रेडिएशन की तीव्रता और भूमि में जल का वास्तविक अभाव दोनों चीज होती है। एक तो ऐसे ड्राइनेस में ग्रो कर रहे हैं तो सोलर रेडिएशन ज्यादा होंगी और दूसरा पानी का अभाव होता है। तो इन पादपों में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन आ जाते हैं जिनके कारण ये इन चीजों को सहन कर लेती है। जैसे कुछ पादपों के अंदर
पर्ण सतह पर इकाई क्षेत्रफल में रंध्र अधिक संख्या में अधिक होते हैं, किंतु इन पादपों में पर्णों का आकार छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण क्या होगा, जितना पर्ण का आकार छोटा होगा तो उससे सरफेस एरिया कम होने से ट्रांसमिशन की रेट कम होगी इन पौधों में। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें अगर हम मेसोफाइट्स के साथ इनकी तुलना करें तो मेसोफाइट्स में जो होते हैं वो स्ट्रोमेटा की संख्या जो होती है वो ज्यादा और इनमें कम होती है। तो इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक तो होती है किंतु पौधों में निष्कासित जल की कुल मात्रा जो होगी कम हो जाती है। और इस प्रकार से जितने भी मांसलोभी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट होता है, पॉलीसैकेराइड्स एंड पेंटोसिन्स पाए जाते हैं जो शुष्कता का सामना करने के लिए पौधे को मदद करते हैं। मेटाबॉलिक क्रिया के द्वारा जो जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो पेंटोसिन्स में चेंज हो जाते हैं, पेंटाजोन्स में पाए जाते हैं चेंज हो जाते हैं, और पेंटाजोन्स जो होते हैं वो वाटर बाइंडिंग का काम करते हैं। तो ये पदार्थ कोशिका द्रव में नाइट्रोजन यौगिकों के साथ मिलकर वाटर एब्जॉर्ब वाटर को इकट्ठा स्टोरेज करने का काम करते हैं। जितने भी जो सकुलेंट प्लांट हैं उनके अंदर स्ट्रोमेटा जो है वो रात को खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं, और इस प्रकार से उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए दिन में CO2 की उपलब्धता, रात्रि में जो जितने भी जो रात के अंदर जितना भी कार्बनिक अम्लों के टूटने के लिए जो जरूरत होती है वो पाई जाती है। तो इसके अंदर स्पेशल साइकिल पाया जाता है सकुलेंट प्लांट में जिसको हम कैम साइकिल कहते हैं, कैल्सुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। इसलिए इन इस प्रकार के पौधों के अंदर जो रेस्पिरेटरी जो रेशियो है श्वसन गुणांक जो होता है उसका मान 1 से कम होता है। दिन के समय रंध्र बंद होने से वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, और इस प्रकार से दिन में क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है और पानी को लॉस भी कम हो उसके लिए स्टोमेटा ऑलरेडी जो होते हैं वो दिन में बंद रहते हैं और रात को खुले रहते हैं। अनेक मरुद्भिद के अंदर C3 साइकिल के साथ C4 साइकिल भी पाया जाता है। तो C4 साइकिल के साथ इस प्रकार ये जो इसमें इनमें इसलिए दोनों साइकिल होने के कारण ये ज़्यादा एफिशियंट होते हैं ऑर्गेनिक पदार्थों को बनाने में। एंजाइम्स कैटालेज और पेरोक्सीडेज जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के अंदर, और एमाइलेज जो होता है का द्वारा जल अपघटन भी अधिक होता है। और इनके अंदर जितने भी मरुद्भिद पौधे हैं वो न्यूनतम नमी की अवस्था में प्रकाशसंश्लेषण करने में भी सक्षम होते हैं, तो इससे इकाई क्षेत्र में प्रकाशसंश्लेषण की दर अधिक होती है। ये हाइग्रोगैसी इसमें पाई जाती है। इन पौधों में कोशिका द्रव की सांद्रता तो अधिक होती है, और तो टर्जिडिटी को जब सांद्रता मतलब वही है कि पानी कम होने के कारण ओपी अंतर ज्यादा अधिक होगा, तो टर्जिडिटी को बढ़ाने के लिए एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर अवशोषण को वो प्रभावित करते हैं। तो विल्टिंग को इससे क्या होगा, विल्टिंग जो होगी कम होगी, मलानता की क्रिया कम होगी, इनका कोशिका द्रव परासंधाव अधिक होने से शुष्कन सहन करने में अधिक सहायता करता है। और कुछ पौधों में प्रोलीन जो होता है अमीनो एसिड जो होता है पाया जाता है जो जितने भी एडवर्स कंडीशन है उसमें सर्वाइवल वैल्यू को प्रोवाइड करता है, और इस प्रकार से इसका भी एक्युमुलेशन इसमें ज़्यादा होता है। तो इसका ये जो प्रोलीन है ये शक्राएं भी जो होती हैं विभिन्न परिस्थितियों में पौधे को सुरक्षा करने का काम करती है। विभिन्न अवस्थाओं में हम देखते हैं कि इनके अंदर शुष्कता प्रतिरोधकता का संबंध प्रोटीन की मात्रा, आरएनए की मात्रा, एंथोसाइनिन की मात्रा, सल्फाहाइड्रिल अणुओं की मात्रा, अमीनो एसिड की मात्रा में वृद्धि से ही होता है। मतलब शुष्कता इनमें ड्राइनेस रेजिस्टेंस जो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड आरएनए, एंथोसाइनिन और सल्फाहाइड्रिल के कारण होती है। और शुष्कावस्था में प्रोटोप्लाज्म जितने भी प्रोटोप्लाज्मिक जो तंतु होते हैं उनके टूटने के कारण कोशिकाओं की मृत्यु होती है, अतः जिन पौधों में ये तंतु नहीं होते वो शुष्क प्रतिरोधी होते हैं। तो यानी प्लाज्मोडिस्मेटा के कारण वो प्लाज्मोडिस्मेटा तंतु नहीं होंगे तो उनको वो ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे। अत्यधिक निर्जलीकरण की स्थिति में इरिवर्सिबल कोगुलेशन की क्रिया होती है, इससे ये एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है। जितने भी शीतोद्भिद पौधे होते हैं जितने मतलब हाई लो टेम्परेचर पर पाए जाने वाले होते हैं उसके जीवद्रव्य में विभिन्न रसायन की मात्रा अधिक होने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सहन कर लेते हैं एडवर्स कंडीशन को। इस प्रकार से आज हमने
विभिन्न इकोलॉजिकल अडेप्टेशन पड़ी, जिनके कारण दो मेन उद्देश्य ये पूरे करते हैं कि वाटर लॉस कम से कम हो और मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ वाटर हो। उसके लिए मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।